इतना था ना कि यहाँ पैर मुकते ही मुझे आंसू आने लगे कि मैं अपने पिता के घर आई हूँ, पापा के घर आई हूँ। 5 साल से मैं दवाई करके थक गई थी। मेरा 62 किलो वजन था, अभी 15 किलो वजन जा, दवा करा करा कर बढ़ गया। फिर अब मैंने आखिरी ये रिस्क लिया, पैसे नहीं थे ना, फिर भी सब बेच बाच कर मैंने भी IVF का रिस्क लिया, क्योंकि हस्बैंड एक ही है, आगे कोई पीछे और कोई नहीं है, उनके परिवार में एक ही हो। हाँ, और ये मेरा लव मैरिज था तो सब ऐसे ही बोल रहे थे, तू दुखी ही रहेगी, तुझे लड़कियाँ ही आएगी। तो मैं सब जगह से टूट गई थी, फिर ये सहारा मिल गया बाबा का वीडियो से। हर्षिता मनीष अहमदाबाद गुजरात से है। आपको एक तो एंडोमेट्रियल परत कमजोर थी, एक नहीं बनता, IVF भी एक बार तो फेल हुआ, फिर IUI भी फेल हुआ। तो क्या आपने IVF के साथ ये यहाँ की दवा भी चलाई? कितने दिन तक? 15 दिन, 15 दिन पानी वाली और 15 दिन दूध वाली, और पॉजिटिव हो गया मेरा। तो ये ट्रांसफर कब करवाया था? ट्रांसफर 30 तारीख को। फिर तो आपने बोला था कि एम्ब्रियो ट्रांसफर करवा दो, फिर बंद कर देना, तो फिर मैंने बंद कर दी थी। हाँ, 3 दिन ही पीरियड के बाद, 2 दिन ही पीरियड आया था, फिर दवाई तीसरे दिन मैंने चालू कर दी थी। फिर 12 दिन 15 दिन मैंने फिर भी ले ली, जब तक एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं हुआ ना तब तक मैंने ले ली। हाँ, फिर बंद कर दी, 30 तारीख को ले ली, फिर 31 को बंद कर दिया। गजब रिस्क लिया। मैंने तो डॉक्टर को नहीं बताया कि मैं ऐसा कर रही हूँ। नहीं बताया था, डॉक्टर भी हैरान हो गए कि आपका तो रिजल्ट आना मुश्किल था, फिर भी हम ट्राई कर रहे थे, चमत्कार हो गया। मैंने बोला कि मेरे भैरव नाथ ने मेरी पर कृपा कर दी है मेरी। क्योंकि IVF में बहुत खर्चा लगता है, तो आपने जैसे ये, मैंने यही कहा था भाई जब भी वो ट्रांसफ़र करे आप हमारी यहाँ की दवा बंद कर देना, लेकिन पहले ले लिया आपने। कितने कितने दिन ले ली थी? 15 दिन ही थी। हाँ, और पहले पहले 2 महीने है ना, 22 दिन ली थी, 3 महीने पूरा किया मैंने दवा। आपका प्रोसेस था कि हम 3 महीने बाद या 2 महीने बाद वो ट्रांसफ़र करवाएंगे, तो उससे पहले अच्छी लाइन ही नहीं बन रही थी। पहले मैंने 2 महीने में करवाया था पहले, फिर उसके बाद अच्छा ही रिजल्ट नहीं आया था। फिर आपके यहाँ से मैंने दवाई भी, और फिर मतलब के अंदर गांठे थी वो भी धीरे धीरे निकल गई, और लाइनिंग भी अच्छे से बन गई। डॉक्टर भी बोले कि आप तो अच्छा है, अब इस बार कर देते हैं आपका IVF, तो इस बार कर दिया। और मैं आशीर्वाद लेने दवाई थी ना, फिर भी मैं आशीर्वाद लेने आई कि मेरा ट्रांसफ़र सफल हो जाए। इतने पैसे भी किए और मेरे पास दूसरा कोई स्कोप भी नहीं था। हाँ, इसीलिए मैं ये रिस्क आपके आशीर्वाद से ही लिया था मैंने, कि मेरा आपका आशीर्वाद मिल गया। और मेरा जो काम था, मैं पहले से आई थी तब से बोल रही थी कि मेरा IVF सफल हो जाए, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई स्कोप ही नहीं था। मेरे हस्बैंड को गिर गए थे ना, तो उसका ब्रेन वो हो गया था, तो वो जो मतलब उनका था ना, वो भी अब टूट गया था, तो मेरे पास यही एक आखिरी स्कोप था, तो वो सफल हो गया मेरा। और मैं जब से आई तब यही कह रही थी कि मेरा IVF सफल कर दो, और मेरे पास और कोई चारा नहीं है, तो हो गया। चलो, हर्षिता मनीष को बधाई कि बड़ा कठिन था, एंडोमेट्रियल परत नहीं बन रही थी, बहुत कम थी। दो बताए बाबा ने, मैंने 2 ही बोला था और बाबा ने मुझे 2 ही दिए। जुड़वा बताए दो। हाँ, जुड़वा बताए। बड़ी अद्भुत चमत्कार है, देखिए। मेरा संकल्प पूरा किया, आगे मेरा संकल्प पूरा करके मेरी दोनों बेटियों को उनके भैया दो। कितनी अद्भुत चमत्कार की बात है कि 2 आ रहे हैं, और इतना बड़ा रिस्क लिया बहना ने कि वैसे देखो मना करते हैं कि आपको कोई और नहीं लेना, लेकिन हमने भी सोचा कि आप पहले ले लो, उसके बाद नहीं लेना। जब डॉक्टर अपने प्रोसेसिंग में आएंगे तब आप कुछ भी मत लेना,
तो उससे पहले लिया तो ये गांठे भी ठीक हुई, एक भी सही हो गए और ये परत भी बन गई और पॉजिटिव भी आ गया और फिर जुड़वा। तो क्या आपने जुड़वा ही मांगे थे? हाँ, मैं बोल रही थी कि मुझे राम लक्ष्मण के जोड़े दो बाबा, आप सही हो, मुझे पता नहीं है कि आप में चमत्कार है, मैं भी नहीं मानती थी क्योंकि 2 महीने ऐसे ही चले गए थे, पर मुझको पता था कुछ नहीं होने वाले मेरा, क्योंकि मेरा कुछ हस्बैंड के साथ कुछ रिलेशन ही नहीं था तो कहाँ से रहे। पर अभी IVF ही मेरा स्कोप था, वो मैं बोल रही थी कि मेरा वो सक्सेस हो जाए बाबा, और वो राम लक्ष्मण नहीं बोलते, अभी मैं आपको यही बोल रही हूँ, मेरी प्रार्थना स्वीकार करके दोनों में धड़कन आ जाए, अभी आई नहीं है, अभी 5-7 दिन ही हुई है। अरे कैसे नहीं आएगी, धड़कन भी आएगी, बिल्कुल आएगी, सब कुछ अच्छा होगा और बच्चों के साथ हम इसी दरबार में फिर से मिलेंगे, गुड़िया लेके आएगी। पापा की तबीयत अच्छी नहीं है ना, इसलिए वो साथ नहीं आते, जब बच्चे आएंगे तब लेके आना उनको। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा और जल्दी राम लक्ष्मण के साथ मिलेंगे। 2 साल के लिए 5,000 की मैंने मन्नत मांगी कि मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा तो मैं गौशाला के लिए 5,000 1 रुपये में दान करूंगी, और मेरे बाबा ने मैंने 15 दिन तक तो मैं अभी 21 दिन हो गए मैंने माथा भी नहीं धोया कि दर्शन बाबा के करूंगी तभी मैं माथा धो, इतना था ना कि यहाँ पैर मुक्ते ही मुझे आंसू आने लगे कि मैं अपने पिता के घर आई हूँ, पापा के घर आई हूँ। 5 साल से मैं दवाई करके थक गई थी, मेरा 62 किलो वजन था, अभी 15 किलो वजन जा, दवा करा कर बढ़ गया, फिर अब मैंने आखिरी ये रिस्क लिया, पैसे नहीं थे ना, फिर भी सब बेच बाच कर मैंने भी IVF का रिस्क लिया, क्योंकि हस्बैंड एक ही है, आगे कोई पीछे और कोई नहीं है, उनके परिवार में एक ही हो। हाँ, और ये मेरा लव मैरिज था तो सब ऐसे ही बोल रहे थे तू दुखी ही रहेगी, तुझे लड़की ही आएगी, तो मैं सब जगह से टूट गई थी, फिर ये सहारा मिल गया बाबा का वीडियो से, वीडियोस देखा तो मुझे थोड़ी आस लगी, पहले तो नहीं मैंने माना था, फिर वीडियो ऐसे बाबा को मुझे पता नहीं था पर मैंने फेंकी समझा, फिर ऐसे फेसबुक पर ऐसे आने लगे थोड़ा थोड़ा देख कर फिर विश्वास मुझे होने लगा, फिर 15 दिन के अंदर मैं यहाँ दर्शन करने आ गई कि नहीं बाबा अब मैं यहाँ से अब दूसरी जगह नहीं जाऊंगी, मैं आपसे ही रिजल्ट पॉजिटिव लूंगी, आपको आशीर्वाद मुझे देना ही पड़ेगा, और बाबा ने मुझे मेरे पर कृपा कर दी। बहुत अद्भुत कहानी है हर्षिता की, और देखो जीवन में कहाँ से कहाँ चला जाता है जीवन, कैसे शादी करी, कैसे लव मैरिज, और अब कहाँ संघर्ष करना पड़ा। बिल्कुल, कल एक बहना कह रही थी कि मैंने ऐसा क्या पाप किया जो मेरे को, उसने 3-4 IVF झेल लिए, IVF भी थोड़ा क्रिटिकल और पेनफुल होता है। मेरा मतलब कि IVF प्रोसीजर है ना, तो सब इंजेक्शन भी अभी लग रहे, फिर भी मैं बाबा का आशीर्वाद समझ के ले रही हूँ कि नहीं 3 महीने है ना, 3 महीने में सब अच्छा हो जाएगा, फिर नहीं लेना है कुछ। और भगवान लाल था की सरकार, जुड़वा बच्चों के साथ आपको जरूर बुलाए, ऐसा मेरा भी संकल्प है, जरूर पूर्ण होगा।